गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय सेल्फ संतोष नपते, वर्किंग एज अ असिस्टंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मायक्रोबायोलॉजी, संभाजीराव केंद्रीय महाविद्यालय, जळकोट, डिस्ट्रिक्ट लातूर, महाराष्ट्र. सो फ्रेंड्स, टुडे आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू मेक सेटिंग्स इन मूडल कोर्स फॉर सेल्फ एनरोलमेंट बाय स्टूडेंट्स. अभी आप सब मूडल कोर्स पे, जिनोमियो साइट पे ऑनलाइन कोर्सेज बना रहे हो और उसमें स्टूडेंट्स द्वारा उन खुद की जो एनरोलमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. सो माय टुडेज टॉपिक इज हाउ टू मेक सेटिंग्स इन दिस जिनोमियो मूडल कोर्स सो दैट स्टूडेंट्स दे कैन एनरोल फॉर दीज कोर्सेस बाय देमसेल्व्स. तो सबसे पहले आपकी जो जिनोमियो साइट है, यहाँ पे मैंने जो मेरी साइट बनाई है वो है santoshnapte.jinomio.com. अभी इस साइट को ओपन करने के बाद आपको लॉग इन करना है. सो आई विल पुट माय पासवर्ड हियर. पासवर्ड यहाँ पे डालने के बाद आपकी साइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी और साइट ओपन होने के बाद आपकी जो जिनोमियो साइट है वो ओपन होने के बाद आपके कोर्सेस यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी. सो दीज आर योर कोर्सेस. So I have created all these courses, that is Microbiological Techniques MT01, then उसके बाद Water Microbiology और उसके बाद है Microbiological Techniques. अभी अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एरो दिख रहा है आपको, एंड जब मैं वहाँ पे कर्सर लेके जा रहा हूँ तो नीचे यहाँ पे आ रहा है सेल्फ एनरोलमेंट. इसका मतलब है ये जो कोर्स है वाटर माइक्रोबायोलॉजी, इसकी सेटिंग मैंने यहाँ पे की है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स खुद का एनरोलमेंट कर सकेंगे. और यहाँ पे आपको एरो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे मैंने वो सेटिंग नहीं की है. और ये भी कोर्स यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी आपको एरो नहीं दिख रहा है. सो दैट इज नथिंग बट देर इज नो सच सेटिंग इज मेड सो दैट स्टूडेंट्स कैन एनरोल देमसेल्व्स फॉर दिस कोर्स. तो अभी यहाँ पे हमें कुछ ऐसी सेटिंग्स बनानी है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स उनका एनरोलमेंट कर सके. सो आफ्टर ओपनिंग दिस कोर्सेस, उसके बाद आपको जिस कोर्स को आपको सेटिंग्स बनानी है उस कोर्स पे आप क्लिक करिए. तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये आपका जो कोर्स है ये ओपन हो गया, इसके कंटेंट्स पूरे ओपन हो गए. उसके बाद राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देर इज अ पार्टिसिपेंट्स आर देयर. ये कोर्स का नाम आ गया आपका यहाँ पे और उसके नीचे है पार्टिसिपेंट्स. सो क्लिक ऑन दिस पार्टिसिपेंट्स. पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करने के बाद नाउ ऑन राइट हैंड साइड देर इज गियर आइकॉन इज देयर और वी कैन कॉल इट एज एक्शन मेनू. सो यहाँ पे क्लिक करिए क्योंकि ये स्टूडेंट एनरोलमेंट या पार्टिसिपेंट्स का कॉलम है पूरा. तो यहाँ पे हमें सेटिंग्स बनानी है जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स खुद को एनरोल कर सके. सो क्लिक ऑन दिस एक्शंस मेनू. एक्शंस मेनू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे, एनरोल्ड यूजर्स, एनरोलमेंट मेथड्स, मैनुअल एनरोलमेंट्स. नाउ लेटर ऑन क्लिक ऑन दिस एनरोलमेंट मेथड्स. एनरोलमेंट मेथड्स पे क्लिक करने के बाद आपको ये पूरे जो भी एनरोलमेंट मेथड्स है वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे. सो यहाँ पे मैनुअल एनरोलमेंट्स है, देन गेस्ट एक्सेस है, उसके बाद है सेल्फ एनरोलमेंट दैट इज बाय स्टूडेंट्स. तो इसकी सेटिंग हमें यहाँ पे बनानी है. तो अगर आप यहाँ पे एडिट में देखोगे राइट हैंड साइड पे तो ये जो आई आइकॉन है ये एक्चुअली डिसेबल है. सो इसको पहले हमें एनेबल करना है. सो जस्ट क्लिक ऑन दिस आई आइकॉन सो इट विल गेट एनेबल्ड. सो ये एक्टिव हो गया, अभी एनेबल हो गया. सी हियर सेल्फ एनरोलमेंट बाय स्टूडेंट. अभी यहां तक आने के बाद आप नीचे जाइए और यहां पे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा साइट एडमिनिस्ट्रेशन.
सेल्फ एनरोलमेंट बाय स्टूडेंट को एक्टिव करने के बाद नीचे जाके आपको साइट एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। सो क्लिक ऑन दिस साइट एडमिनिस्ट्रेशन। साइट एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ये जो सर्च ऑप्शन यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे आपको सेल्फ करके टाइप करना है, सेल्फ एंड देन क्लिक ऑन दिस सर्च। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन सर्च एक नया विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा एंड जब आप नीचे जाओगे सो देर इज अनदर ऑप्शन इज हियर दैट इज मैनेज ऑथेंटिकेशन। सो मैनेज ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे ईमेल बेस्ड सेल्फ रजिस्ट्रेशन अभी ये एनेबल है, अगर यहाँ पे क्रॉस रहेगा तो ये डिसेबल रहेगा, अगर डिसेबल वहां पे रहेगा देन यू हैव टू मेक इट एनेबल। सो दिस इज एनेबल्ड ऑलरेडी। देन लेटर ऑन आप थोड़ा नीचे जाइए और नीचे जाने के बाद यहाँ पे अगर कुछ डिफॉल्ट सेटिंग डिसेबल है तो यहाँ पे आपको ये नीचे वाला सेटिंग क्लिक करना है, दैट इज ईमेल बेस्ड सेल्फ रजिस्ट्रेशन। ईमेल बेस्ड सेल्फ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद देन और आपको नीचे जाना है एंड फाइनली यू हैव टू मेक सेटिंग्स और यू हैव टू सेव ऑल दीज चेंजेस। सो जब आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखेगा दैट इज सेव चेंजेस। सो यू हैव टू सेव ऑल दीज चेंजेस। सो सेव चेंजेस करने के बाद नाउ यू हैव टू लॉग आउट फ्रॉम योर साइट। आपको यहाँ पे क्या करने का है, लॉग आउट करने का है। सो आई विल लॉग आउट फ्रॉम माई जिनोमियो साइट। सो आफ्टर लॉग आउट, अभी ये लॉग आउट हो गया है यहाँ पे, और लॉग आउट होने के बाद ये देखो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स MT01 जो पहले यहाँ पे एरो नहीं था या फिर सेल्फ एनरोलमेंट ऑप्शन वहां पे नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी हमने सेटिंग्स की है एंड नाउ देयर इज सेल्फ एनरोलमेंट, दैट एरो इज देयर। सो आफ्टर लॉग आउट नाउ आई विल, अभी आपको स्टूडेंट्स को, क्योंकि अभी ये सेटिंग्स पूरा हो गया है, नाउ दैट स्टूडेंट्स व्हेन दे ओपन दिस जिनोमियो साइट, जब आप सेटिंग करोगे आपकी जिनोमियो साइट पे उस पर्टिकुलर कोर्स पे, और जब आपके स्टूडेंट्स आपकी जो जिनोमियो साइट है वो ओपन करोगे तब स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऐसा, एक जो भी कोर्सेस आपके रहेंगे वो पूरे कोर्सेस वहाँ पे ओपन हो जाएंगे, और उस कोर्स पे अगर आपने सेटिंग्स की है तो वहाँ पे सेल्फ एनरोलमेंट का ऑप्शन आपके स्टूडेंट्स को दिखेगा। सो लॉग आउट करने के बाद नाउ आई विल ओपन दिस और माई जिनोमियो साइट इन अनदर ब्राउजर। अभी मैंने ये जिनोमियो साइट यहाँ पे ओपन की है। सो ओपन करने के बाद अभी आपके जो भी कोर्सेस यहाँ पे रह गए, अभी स्टूडेंट्स जब आपकी जिनोमियो साइट ओपन करेंगे तब स्टूडेंट्स आपके कोर्सेस को यहाँ पे एनरोल कर सकोगे। सो एनरोल करने के लिए, सो नाउ दिस साइट इज ओपन हियर एंड व्हेन, जब कोर्सेस वहां पे ओपन हो जाएंगे, नाउ लेटर ऑन द स्टूडेंट्स दे कैन एनरोल्ड टू दैट पर्टिकुलर कोर्सेस। सी हियर आपके कोर्सेस यहाँ पे ओपन हो गए, और जब स्टूडेंट्स इस कोर्सेस पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे एक नया ऑप्शन आएगा। जब आप कुछ सेटिंग नहीं करोगे सेल्फ एनरोलमेंट के लिए तो ये जो पोर्शन आपको नीचे दिख रहा है ये ऑप्शन वहां पे नहीं देखेगा, लेकिन सेटिंग्स करने के बाद और स्टूडेंट्स जब आपकी जिनोमियो साइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे नीचे ये विंडोज दिखेगा। सो नाउ क्रिएट न्यू अकाउंट, अगर स्टूडेंट्स को एनरोल करना है वहां पे, सो दैट स्टूडेंट्स दे विल क्लिक ऑन दिस क्रिएट न्यू अकाउंट। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन क्रिएट न्यू अकाउंट दिस न्यू विंडो विल बी ओपन। नाउ स्टूडेंट्स has to fill all his details in this window. For example, the username, suppose here techniques, TECH. So this is a username. Then the password is, this one is password for students. This is password, and then mail ID of student. So this is mail ID, for example,
संतोष नप्ते 2005@gmail.com. So this is mail ID. Again you have to put mail ID here. Santosh Napte 2005@gmail.com. @gmail.com. So here this is mail ID. Now the first name, just I am writing here, that is dummy student. This is the name of student here, for example, and then city or town, country, and then click on I am not a robot. So after clicking on this, you have to click on create my new account. So after clicking on, so see, this is the error is showing here, only lowercase letters allowed. So I will put here small t, and then again we'll click on this I am not a robot, and then create my new account. So here new message will be occur, and that is an email should have been sent to you. So here is that mail. Now after opening this mail, see, to confirm your new account, please go to this web address. Now click on this, and after clicking on this, that message will be here from that or from you or your courses. For example, here Santosh Napte's online courses. Thanks, dummy student, your registration has been confirmed. And then this is the way for the self registration of students by themselves to particular online courses on Genomeo or Moodle site. So this is about the how to make that settings so that students, they can register themselves for these courses. So if you like this video, please share, comment, and subscribe my channel. Thank you. Thank you very much.